जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि वुकोंग अपनी पावर से व्हाइट बियर्ड के साथियों पर अटैक कर देता है और उन्हें काफ़ी हर्ट कर देता है। अब व्हाइट बियर्ड और वुकोंग एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। दोनों अपने पावरफुल मूव से एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। क्योंकि वुकोंग की पावर व्हाइट बियर्ड से काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए व्हाइट बियर्ड उसके आगे टिक नहीं पाता, जिस पे वुकोंग उसे पंच मार के नीचे गिरा देता है। सिर्फ यही नहीं, वो व्हाइट बियर्ड को घुमा घुमा के दूर फेंक देता है, जिसे देख के बाकी मंकीज खुश हो जाते हैं। तभी व्हाइट बियर्ड वुकोंग को कहता है कि शायद तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं वही छोटा मंकी हूँ जो तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करता था, लेकिन तुमने हमारे साथ धोखा किया। तुम हुआ गोशान माउंटेन को छोड़ के हेवन में चले गए और अब वापस लौटे हो ताकि इस माउंटेन के किंग बन जाओ, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ये सुनते ही वुकोंग गुस्सा हो जाता है और अपनी मंकी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब बिना वेट किए वुकोंग अपनी पावर से व्हाइट बियर्ड पे अटैक करने लगता है और उसे बार बार पंच मारने लगता है और उठा के उसे दूर फेंक देता है, जिससे व्हाइट बियर्ड बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। क्योंकि व्हाइट बियर्ड काफ़ी हर्ट हो चुका था, इसलिए वुकोंग उसे कहता है कि चाहे मैं इस माउंटेन पे रहूं या नहीं, लेकिन इस माउंटेन पे कभी भी किसी भी डार्क सोल को नहीं रहने दूंगा। जिस पे व्हाइट बियर्ड उसे बताता है कि इसके भी जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि तुम हमें अकेला छोड़ के चले गए थे। हमारे पास इतनी पावर नहीं थी कि डार्क सोल का मुकाबला करते, इसलिए मुकाबला करने की बजाय हम डार्क सोल के साथ मिल गए। ये कहते ही व्हाइट बियर्ड वुकोंग पे अटैक करने लगता है, मगर वुकोंग एक पंच मार के उसकी सोल छीन लेता है, यानी उसकी जान ले लेता है। जिसके बाद वुकोंग कहता है कि तुम गलत हो, क्योंकि तुम ज़्यादा पावर हासिल करने की लालच में डार्क सोल के साथ मिल गए थे और डार्क सोल की इस माउंटेन पे कोई जगह नहीं है। क्योंकि व्हाइट बियर मर चुका था, इसलिए ये देख के सब खुश होने लगते हैं। वो सब वुकोंग को थैंक्स कहने लगते हैं, मगर वुकोंग उन सब को डरा के वहाँ से भगा देता है। इसी बीच तगाता भी वहाँ जाता है और आते ही वुकोंग के साथ बातें करने लगता है। क्योंकि तगाता उससे 16 साल के बाद मिल रहा था, इसलिए वुकोंग उससे नाराज़ हो जाता है और बात किए बगैर वहाँ से चला जाता है। जिस पे तगाता उसे कहता है कि तुम्हारी लाइफ में ढेर सारे काम होंगे, लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। ये सुनते ही वुकोंग उसकी हेल्प करने के लिए राज़ी हो जाता है। अब वुकोंग तगाता के साथ आशुरा किंगडम चला जाता है। तभी उसकी नज़र उस किंगडम पे पड़ती है जिसकी सभी बिल्डिंग्स टूटी हुई होती हैं। ये देखते ही वुकोंग तगाता से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ है, जिस पे तगाता उसे बताता है कि 300 साल पहले हेवनली आर्मी और आशुरा किंगडम के बीच जंग हुई थी, जिसमें हेवनली आर्मी ने इस किंगडम को काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया था, मगर आशुरा किंगडम के लोग बहुत पावरफुल थे, इसलिए वो हेवनली आर्मी को हराने में कामयाब हो गए। लेकिन जब वो भाग रहे थे तो उनके लीडर डी शी टियान पे आशुरा किंग ने अटैक कर दिया था, जिससे उसकी हेवनली सोर्ड आशुरा किंगडम में गिर गई। इस रिवील के साथ ही तगाता वुकोंग को कहता है कि मुझे वो हेवनली सोर्ड चाहिए। ये सुनते ही पहले तो वुकोंग खामोश हो जाता है, मगर बाद में उसका मजाक उड़ाने लगता है। जिस पे तगाता उसे कहता है कि वेस्ट सिटी में पहुंचने के बाद मैं तमाम आशुरा वॉरियर्स और आशुरा किंग को अपने जाल में फांस लूँगा और तुम इसका फ़ायदा उठा के उस सोर्ड को चुरा लेना, जिसके बाद आगे क्या करना है तुम्हें ये स्क्रोल बताएगा। ये सब कहने के बाद तगाता वुकोंग को ले के वहाँ से वेस्ट सिटी की तरफ चला जाता है। अब तगाता वुकोंग को आशुरा किंग के बारे में बताने लगता है, जिसमें कुछ बच्चे एक मॉन्स्टर को खा रहे होते हैं और उसका खून पी रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र लू पे पड़ती है, जो के रो रहा होता है, जिस पे एक बच्चा उससे रोने की वजह पूछता है। ये सुनते ही लू उन्हें कहता है कि एरिना बैटल में मैं तुम सबको मार डालूंगा, इसलिए मैं एडवांस में रो रहा हूँ। ये सुनते ही सभी बच्चे हंसने लगते हैं और लू की बात का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी एरिना बैटल स्टार्ट हो जाता है, जहां आशुरा किंगडम के सभी योद्धा इकट्ठा होते हैं। लू उन सब बच्चों के साथ फाइट करता है और एक एक करके सबको मार डालता है। इसी बीच वही बच्चा जिसने लू से उसके रोने की वजह पूछी थी, वो लू को मॉन्स्टर बुलाने लगता है, जिस पे लू उससे माफ़ी मांगता है और अटैक करके उसकी भी जान ले लेता है। क्योंकि लू ने एरिना बैटल जीत लिया था, इसलिए आशुरा पार्लियामेंट का काउंसिल शिनरोजा वहाँ आ जाता है और लू को एरिना बैटल जीतने पे आशुरा वॉरियर बना देता है। क्योंकि आशुरा वॉरियर्स
आशुरा किंग के अंडर काम करते थे, इसलिए लू शिनरोजा की बात मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि आशुरा किंग्स ताकत की खातिर एक दूसरे को मार डालते हैं और इस वजह से हमारे किंगडम के योद्धा कम होते जा रहे हैं, इसलिए मैं इस पोस्ट को कबूल नहीं करता। ये सब सुनते ही वुकोंग खामोश हो जाता है और कहता है कि मैं डायरेक्ट आशुरा किंग को चैलेंज करूंगा और उसे हरा के हेवनली सोर्ड हासिल करूंगा, जिस पे तगाता उसे बताता है कि आशुरा किंग को हराना इम्पॉसिबल है क्योंकि जिस बैटल में वो किंग बना था उसे देख के हेवन और अर्थ कांप गए थे। जिसके बाद फिर से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे एरिना में कुछ आशुरा वॉरियर्स फाइट कर रहे होते हैं, जिनमें से एक आशुरा वॉरियर बाकी सब को उस फाइट में हरा देता है। तभी लू वहाँ आ जाता है और आते ही सभी आशुरा वॉरियर्स और थ्री किंग्स को चैलेंज करता है और कहता है कि अगर मैं इस फाइट को जीत गया तो आशुरा किंगडम का नया किंग बन जाऊँगा, क्योंकि आशुरा किसी भी योद्धा का, चाहे वो आशुरा किंगडम का हो या फिर बाहर का, वो उसके चैलेंज को ठुकराते नहीं, इसलिए वो सब लू का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके साथ फाइट करने लगते हैं। क्योंकि लू की पावर्स उन सब से कई गुना ज़्यादा थी, इसलिए वो आसानी से सभी आशुरा वॉरियर्स को हरा देता है। सिर्फ यही नहीं, लू 10 दिन तक बिना कुछ खाए पिए उनके साथ फाइट करता रहता है और सबको एक एक करके हरा देता है, जिस पे चिनरोजा उसे आशुरा किंगडम का नया किंग बना देता है। और इस रिवील के साथ ही पार्ट 2 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।